तो क्या कहेंगे जिनको अभी भी भरोसा था कि ये 200 से ऊपर होके या 350 या 450 तक जा सकता है, अभी भी ये रेट देखिए जैसे कि डाउन ही डाउन जा रहा है। और अभी भी पता नहीं लोग अभी भी इसको ऐसी चीजें कह रहे हैं ना कि आप देख के हैरान हो जाएंगे। ये देखिए कुछ लेवल्स थे जहाँ ये जस्टिफाई थे, लेकिन अभी की अगर मैं बात कर लूँ पूरी तरह से वो तोड़ते हुए नजर आए। जब मैंने इस कैंडल को तोड़ा तो मैंने यहीं पर बता देता आपको कि इसे सेल आउट कर दीजिए जब भी 300 के आसपास में आया था। ये देखिए इस लेवल को ये पहले ही तोड़ चुका था, इस वाले कैंडल को हम देख नहीं पाए थे ठीक तरीके से। एक साफ फॉल यहाँ से ही आ गया था अच्छा खासा 700 से लेके 400 के आसपास तक में, और यहाँ से ये आप देखेंगे पूरा फॉल आउट होते हुए आया है पूरी इजी तौर पे। और अगर मैं बात कर लूँ कि लोग क्या कह रहे हैं जिनको बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो रहा है, आप उनकी बातें सुन के हैरान हो जाएंगे। ऐसे ऐसे तथ्य दिए ना लोगों ने कि मैं समझ में नहीं आया। जैसे कि इन भाई साहब का देख लो आप, ये कह रहे हैं कि मुझे तो कुछ पता नहीं है, जब तक रीजन नहीं मिलेगा तब तक मैं बेचूंगा नहीं, चाहे ये जीरो कितना हो जाए। ठीक है, द एग्जैक्ट काइंड ऑफ पीपल दैट गेट आउट ऑफ द मार्केट टेक डाउन ए फ्यू विद देम एंड दिस दे फॉलोइंग नाइफ है उनके ऊपर वही होगा और आई वुडन टच विदाउट नोइंग द रीजन फॉर द फॉल। अच्छा भाई साहब सही है, जैसे आपकी मर्जी। इसने भी बोला है कि जिसको जिसको माल भरना है भर लो और चीप रेट में, और सही डरने का नहीं और ऐड कर लो अब वो वेरी सुन स्ट्रांग फंडामेंटल स्ट्रांग लो प्राइस में ज्यादा दिन नहीं रहता, इतना अच्छा लेवल कभी नहीं मिलेगा दोबारा, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, और ये भाई तो हमारे फेवर में, स्टॉक रुकता ही नहीं, गोइंग डाउन एंड डाउन एवरी डे, ये मार डालेगा इन्वेस्टर्स को, मुझे भी लग ही रहा है क्योंकि धरती में गड़ेगा इतना ज़्यादा डाउन जा रहा है और दिन पे दिन, और लोग अभी भी ध्यान नहीं दे रहे कि क्या करना चाहिए उनको इस चीज़ को लेके। अभी भी कह रहे पोजिशन बना लूँ क्या करूँ इसमें है, और ऐड कर लूँ एवरेज कर लूँ। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी हो रही आप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ लोग ये जान लीजिए, और जो वो कह रहे हैं कि ऑपरेटर ही इसको सेल आउट कर रहे हैं क्योंकि जो है मार्केट से वो हटाना चाह रहे हैं, अगर वो गिराना चाहेंगे गिरा ही रहे हैं, अगर मान के चले अगर वो ऑपरेटर अपना माल सारा हटा रहे हैं यहाँ से, और आपको भी वो उस लेवल पे लेके आ जाएंगे जिस लेवल पे कि आप वहाँ से शेयर बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उन्हें पता है आपके पास कितने शेयर्स हैं, उन्हें कैलकुलेट करने में कोई बड़ी वो दिक्कत नहीं होगी, उन्हें बराबर मोटर्स कितने पास है, ये इनके पास इतना है तो वो मार्केट से या उनसे साझेदारी करके मार्केट में वो शेयर बेच सकते हैं, पूरी तरह से बेच सकते हैं। और आप सोच रहे हैं कि हम भाई उठा के अपने पास में रख ले, जब वो बढ़ाएंगे तो हम बेच देंगे, इतने बेवकूफ़ नहीं बैठे हैं वो। अगर वो देखेंगे उनके ज़्यादातर चांसेस हैं, अगर आपके पास जैसे कुछ होल्डिंग अगर ठीक ठाक बच गई मतलब थोड़ी बहुत, तो ही वो ऊपर खींच के ले जाएंगे शेयर को, नहीं तो ऐसे करके नहीं ले जाएंगे। जब उतनी सेटिंग बैठा के वो, जैसे कि आपको पता होगा ये फीचर्स में ट्रेडिंग नहीं हो रही है, तो ये उसको उठा के कैश मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो इनकी कितनी प्रोटेशनल है कि अगर वहाँ से निकाल लें सारी चीज़ें, तो आपके लिए काफ़ी आगे दिक्कत हो सकती है। अगर ऑपरेटर ने मान लिया है कि अगर यहाँ पे आपको लगता है ये ऑपरेटर के घुसे पड़े साफ साफ तो क्लियरली तौर पर दिखता ही है, तो ये जिन जिन के पास में है जैसे कि प्रमोटर्स के पास हो गए, म्यूचुअल फंड्स के पास में हो गए, या फिर FFIs में सेटिंग होगी, तो वहाँ से भी वो शेयर्स निकाल के आपको उस लेवल पे लाने पे मजबूर कर देंगे कि जहाँ पे आपको अपना शेयर निकालना ही होगा, आप रख नहीं सकते उतने शेयर। मतलब आप कुछ तो सोच के, साइकोलॉजी होती है, फियर आता है, वो चीज़ आती है। अगर यहाँ पे अभी भी पब्लिक अपना पैसा लेके नहीं निकली है, तो वो फिर भी इस लेवल पे इसको बना के रख सकते हैं अच्छे खासे टाइम के लिए। ये मैं अपने पास एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ क्योंकि साउथ इंडियन में सेम ऐसा हुआ है, मैंने अच्छे खासी क्वांटिटी में उठा रखा और काफ़ी लोगों ने भी उठा रखा उन क्वांटिटी में। वो तब तक नहीं निकालेंगे जब तक उनको लगा कि मार्केट में जो पब्लिक के पास जो शेयर गए हैं वो अभी तक मार्केट में बिके नहीं है, तो उससे पहले वो कभी शेयर को बढ़ाएंगे नहीं, उसमें कभी बाइंग नहीं आने देंगे और एक ही जगह पे उसे नचाते रहेंगे। अगर आप ज़्यादा होशियार बन रहे हैं, ज़्यादा सोच रहे हैं कि नहीं, मैं तो होल्डिंग करके रखता हूँ, जब जब बढ़ाएगा तब, या उन्हें इनके पास एक ही शेयर नहीं है कि वो एक ही शेयर के कई शेयरों के साथ खेल सकते हैं, और वो आप ही से निकालेंगे जो 11% पब्लिक के पास में दिख रहा है, वो उनकी आंखों में टकराए कि ये कम से कम हो जाए 1-2% के आसपास में हो जाए, पब्लिक अपना पैसा लेके निकल जाए, फिर ये शेयर को आराम से बूस्ट कर सकते हैं जब ये चाहे, आराम से इसमें पैसे डाल डाल के इसको ऊपर की तरफ में ले जा सकते हैं।
इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोगों को अभी भी लग रहा है कि मैं इस लेवल पे लेके जब ऑपरेटर इस शेयर को बढ़ाएगा तब मैं इसमें चीजें खेल लूंगा, ये सारी चीजें कर लूंगा। ऐसा नहीं होने वाला भाई। जब आपको सही शेयर आपको दिख रहे हैं तो आप उसी में इन्वेस्ट कीजिए ना लॉन्ग टाइम के लिए। अगर आपके पास इतने अच्छे, मैंने सजेस्ट करें स्वान फार्म किया या फिर और दूसरे शेयर किया, उनको आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखिए। टेरेंट शेयर को मैंने किया था एक या 2 साल पहले, वो आज डबल रेट पे चल रहा है। तो ऐसी स्ट्रांग कंपनी में घुसी ने। और आपको बताइए, अभी जैसे कि मैंने बार बार वीडियो में बता चुका हूँ कि रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रही है गवर्नमेंट हमारी, जैसे कि आपको बता हुआ गार्बेज से वहां से वो बनाने की कोशिश कर रही है कि कैसे करके वो एनर्जी बनाए, उसमें से वो प्रोसेस भी चल रहा है अच्छा खासे तौर पे। और इसका मेन जो काम था कोयल पे था, और इसका जो पेरेंट कंपनी है वो अच्छा खासा इसमें थी, और वो उसको एग्जिट कर रही है क्योंकि वो भी फोकस कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी पे। देखते हैं वो कितनी जल्दी चीज को लेके आ पाते हैं। अगर लेके आ पाते हैं तो एक पॉजिटिव साइन हो सकता है, तो इससे कुछ प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं इसी तौर पर। लेकिन अभी से इसके ज़्यादातर चीज़ें उसी में फंसी पड़ी है कॉल चीज़ में, तो वहाँ से इसे निकलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो अभी ये जो लोग कह रहे हैं इनको तो मुझे लग रहा है अच्छी तरह से पीसेंगे, अच्छी तरह से खींच के फिर वो निकालेंगे शेयर, और उसी हिसाब से चीज़ें आपको दिखेगी। तो काफ़ी आर्टिकल्स आ चुके हैं कि जी पावर्स को अवॉइड करने के लिए, तो मैं भी आपको ज़्यादातर टाइम यही कर रहा हूँ कि आप इस शेयर से जितना ज़्यादा दूर रह सकते हैं रहिए, और अपनी सेविंग बचा के रखिए दूसरे अच्छे शेयरों के लिए, यहाँ से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और ख़त्म करते हैं वीडियो को। अगर फिर भी आपको अभी भी लग रहा है कि मैं अभी इसमें लॉन्ग टाइम के लिए टिकना चाहता हूँ, तो एज यू विश आपको लग रहा होगा 800-900 के ऊपर आ जा सकता है क्योंकि इतने रेट में जस्टिफाई नहीं है, उसके फंडामेंटल ये हैं, यही सारी चीज़ें हैं। भैया अब जिस चीज़ से वो पैसा कमाते थे उसी चीज़ से वो पैसा कमाएगी नहीं, तो फिर उसके शेयर कहाँ से बढ़ेंगे, तो ये भी सोचने वाली बात है। फिर भी आपके कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करके जाइएगा, क्योंकि मेरे को लाइक नहीं मिलते हैं और वीडियो में उन लोगों को बुरी लग जाती है, वो डिसलाइक करके चले जाते हैं जिन लोगों को उम्मीद है कि ये शेयर ऊपर जाएगा, और मैं उनको साफ साफ मना कर देता हूँ इस चीज़ के लिए। जरूर अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक करके जाइएगा।